एक तिलक कैसे चमका सकता आपका सोया हुआ भाग्य, धन दौलत मान सम्मान बढ़ा सकता आपका आकर्षण, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर सुंदर माइंड ब्लोइंग मैन ब्लास्टिंग ठा बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, है कि नहीं। अब मैं आपको कुछ चीजें, एस्ट्रोलॉजी को जितना साइंटिफिकली समझने की कोशिश करोगे उतनी चीजें बेहतर वे से काम करेगी, क्योंकि उस चीज उन चीजों पर आपका बिलीव ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब तिलक का क्या साइंटिफिक अप्रोच है, चलो अब हम उस बारे में बात करते हैं, फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगी जबरदस्त चीजें। अब हमारे सात चक्र होते हैं, सात चक्रास जो कि एनर्जी सेंटर्स होते हैं, है कि नहीं। अब जब हम तिलक लगाते हैं ये होता है हमारा आज्ञा चक्रा, सीधी बात है ना। अब ये हमारा ब्रेन है, ये मैंने साइड में दिया हुआ है, थैलेमस हाइपोथैलेमस एमिग्रेला। एमिग्रेला किसको प्रभावित करता है, मंगल को। काउडेड न्यूक्लियस, काउडेड न्यूक्लियस टेल राहु केतु को। ग्लोबस पैलिडिस किसको करता है, जुपिटर को। सबस्टेंशिया निग्रा शुक्र को, सीधी बात है। अब जब हम तिलक लगाते हैं, तिलक हो गया एलिमेंट, हमारे इधर हमारे ब्रेन में बीटा एंडोर्फिन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम उस एलिमेंट की चीज लगाते हैं वो मॉलिक्यूल्स साथ साथ उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आग पे हाथ लगा देंगे, हमारा हाथ जल जाएगा, क्या है, एलिमेंट ही तो है, फायर एलिमेंट। आइस पे हाथ रख लेंगे, बर्फ पे हाथ रख लेंगे, ठंडक पहुंचेगी, क्या है, एलिमेंट ही तो है। समझे मेरी बात को, तो चीजों को जब आप समझोगे तभी तो वो काम करेगा। बस हवा में बातें कर लो जी, ये कर लो, क्यों कर ले, सीधी बात है। अब जो जो चीजें आज आपको मैं बताने जा रही हूं, अब जिनको भी हम समस्या के हिसाब से चीजों को समझेंगे, जिनको भी विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह होने में दिक्कत आ रही है, विवाह टिकने में दिक्कत आ रही है, तो आप पाशा लोगों कौन सा तिलक लगाओगे। हल्दी में केसर घोलकर उसका तिलक लगाना शुरू कर दो, आप देखोगे आपकी ये जो चीजें, और जो उपाय करते हो वो करते रहो। बृहस्पति को भी आपने मजबूत करना है, मैंने पहले भी उपाय बताए हैं और भी बताती जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो चीज है इसका आपने डेली बेसिस पे तिलक लगाना है। अब हम बात करते हैं जिनको भी धन की समस्या है। अगर कहते हैं ना पैसा आता नहीं, पैसा, अब पैसा टिकता भी नहीं, आता भी नहीं, मतलब कोई मतलब जरिए खुलते ही नहीं पैसों के, तो कुछ तो गड़बड़ होगा, हमारे चक्रास में गड़बड़ है, हमारे प्लैनेट्स की जो वाइब्रेशंस है कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, सीधी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, कुमकुम केसर डाल दो, उसका आपने तिलक करना है और उसके ऊपर दो दाने चावल के लगा दो। आप इसके साथ साथ आपको वो कहते हैं मंत्र जाप भी, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, या तो फिर जो आपको दूसरा बताया मैंने मंत्र, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमला लाए प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये आपको जैसे, या ओम श्रीम नमः या श्रीम श्रीम, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो वाइब्रेशन में चीजें आएंगी वो भी तो ध्वनि, जब हम मंत्र जाप करते हैं वो ध्वनि 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 वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करती है, सीधी सी बात है। तो इसके साथ आपने ये भी करना है, किसी भी जरूरी काम के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपने क्या करना है, हल्दी में थोड़ा केसर लगाकर तिलक लगा के आपने जरूरी काम के लिए जाना है। कहते हैं ना कई बार काम से निकलते हैं पता नहीं क्या ही हो जाता है, अटक जाता है, काम बनता ही नहीं, जिससे मिलने जाना है पता नहीं वो कहां चला जाता है, ये भी चक्कर है। अगर आपने शनि को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, दही में दूध हल्दी डालोगे और उसका तिलक लगाना शुरू कर दो, शनि मजबूत वाइब्रेशंस जो उसकी है, जो नेगेटिव प्रभाव छोड़ रहा है, जो बहुत कहते ना स्टेबिलिटी को उखाड़ के रख दिया है, ये काम करेगा ही करेगा, काम बनेगा ही बनेगा, सीधी बात है। अब एक चीज बता देती हूं, अब क्या होता है कई बार भटकाव इतना ज्यादा हो जाता है, मतलब कोई काम शुरू करने से पहले अटक जाता है,
देखा जाए तो है, इतना राहु कहीं ना कहीं, अगर राहु की मां दशा है, अंतर दशा है, मतलब भटका के रख दिया है, ऐसा उथल पुथल मचा दिया है कि क्या ही बोले। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बच्चे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, इनका जिनका मन भटकता रहता है, तो कि चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दो। चंदन का तिलक आप लगाओगे, इससे राहु को चंदन बड़ा पसंद है, उससे राहु कंट्रोल होता चला जाएगा। अब मैं, क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि आप कौन सा तिलक लगाते हो, लेकिन वो मैं अब आपको बताऊंगी, वशीकरण वाला भी बताती हूँ। जिससे वशीकरण क्या है, वशीकरण ये है जब हमारा ऑरा एनहेंस हो जाता है कि लोग हमें हमारे से आकर्षित हों, दैट इज वशीकरण ना, अपना प्रभाव छोड़ना लोगों पर, सीधी बात है। वो भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, मेरे जो पाशा लोग हैं आजकल एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज कर देते हैं, ये जो लाखों रुपए इधर उधर कर देते, अरे तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन चक्रों में अपने को पढ़ना नहीं। एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, पहले ये देख लो। एब्सोल्युटली राइट, इतनी ज्यादा खूबसूरत है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस बार मेरे नवरात्रों के बाद मुझे मैम मिले हैं, जस्ट मुझे शायद उसी का ही फल मिला है ये, क्योंकि इस बार मैंने जब मैं पूजा करी थी ना तो मेरे पास आके फूल गिरा था, मतलब वो फोटो से, माँ की मूर्ति से मेरे पास फूल गिरा था। तो उसके बाद मैं 2 एस्ट्रोलॉजर से मिली, इवन मैंने दोनों को चैलेंज भी कर दिया शाय नदी की, बिकॉज मुझे ना पता है एक एस्ट्रोलॉजर से मिलके मुझे ये लगा कि वो मुझे नेगेटिव, मतलब एक से तो मिलके मुझे इतनी नेगेटिव एनर्जी आई, तो मैंने कहा ये मेरे गुरु नहीं बन सकते ना, बिकॉज इनको देख के जब मुझे पॉजिटिव ही नहीं फील हो रहा। और एक एस्ट्रोलॉजर थे जो मुझे बोल रहे हैं कि मैं ना, मैं ऐसी हूँ, तेरे में ईगो है, ये वो है। तो मैंने दीखे, मतलब एकदम आंखें बंद की, दीखा चेहरा सामने आया और मैंने उसको चैलेंज ही कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मतलब तू इतना मेरे को इतना, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तेरी लाइफ में ये नहीं होगा, मैं तुझे इस चीज का प्रमाण दूंगा ना। तो मैंने कहा ठीक है, तू भी यहीं पे है ना, इसी दुनिया में तू रहता और इसी में मैं रहती हूँ, ठीक है मैं भी तुझे बताऊंगी कुछ करके लाइफ में, और इतना अच्छा होगा ना मेरी लाइफ में। और तेरी एस्ट्रोलॉजी तब लेके आना, और जिनको मैं ढूंढूंगी ना, जो मेरे गुरु होंगे, तो मैं उनके भी हाफ में मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ तो इतना। और पता है जब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी तो मुझे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे माइग्रेन। सुना आपने क्या बोला, मैंने उस एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज कर दिया कि तू भी इधर बैठा मैं भी इधर बैठी, मैं अपनी चीजें बना के रहूंगी। ये है रुपिंदर जी, इन्होंने मैग्नीफाइड हीलिंग का भी कोर्स किया है, अब वो कर रही है टैरो का मास्टर कोर्स, बहुत जल्दी शील भी अब मास्टर कहते हैं ना, जो अंतर्मन हीलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख रहा है उन लोगों को कोई प्रिडिक्शन में चैलेंज नहीं कर सकता। अब जितनी भी पाखंड की दुकानें हैं अब बहुत जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि जो सही रास्ते दिखाने वाले लोग हैं बहुत जल्दी उतरने वाले हैं मैदान में, सीधी बात है, समझे मेरी बात को। तो इन्होंने, आपने सुना ना क्या बोला कि भाई मैं तेरे को, तू भी इधर बैठा मैं भी इधर बैठी, कितना डरा परा दिया, यही तो बोलती हूँ, अरे तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं, हुआ ना, हुआ ना, देख लो। अब हम आते हैं वशीकरण तिलक पे, वशीकरण तिलक कैसे जाए, अपना प्रभाव छोड़ो। आपने क्या करना है, सिंदूर डाल लो, सिंदूर के अंदर गुलोचन या गुरोचन भी उसको बोला जाता है, वो डाल लो, लाल चंदन डाल दो, कपूर डाल दो, और एक और चीज बताऊं जो पट करके कहते हैं ना आकर्षण पैदा करता है, वो है आंवले का जूस। आंवले का जूस अगर उसमें थोड़ा सा मिलाकर तिलक करते हो, आप देखोगे अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, अगर लोगों की नजर आप पे पड़ती नहीं, देखो आज की डेट में वैसे भी बता रही हूं, आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन का जमाना आ गया है, लाइन से लोग हैं, मतलब लेकिन वो भीड़ में अकेले अपने को अगर चमकना है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो अपने को करनी पड़ेंगी, ये तिलक लगाना शुरू कर दो। वैसे तो एक आपको बात बता देती हूँ, एक ये वाला जो तिलक है, जो मैंने 2 तिलक लगाती हूँ मैं, क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि आप कौन सा तिलक लगाते हो, एक तो मैंने आपको ये चीज बता दी, अब दूसरी चीज ये है अष्टगंध। जैसे कई लोगों को अकेलापन बहुत ज्यादा फील होता है, जैसे डिवोर्स हो जाता है अकेलापन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वैसे वो अष्टगंध का भी तिलक लगा सकते हैं। लेकिन जो ये मैंने बनाया है, इसमें डाली हल्दी, इसमें डाला चंदन, इसमें डाला केसर और अष्टगंध,
इसका और गुलोचन, गुलोचन भी बोलते गुरोचन भी बोलते, इसका मैंने फिर तिलक किया। अब मैंने आपको बता दिया, मैंने तो सारे के सारे ग्रह को पकड़ लेने का आया कि नहीं। तो अगर आपने ऐसे करना है आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि अपने को भटकाने का नहीं। देखो एक बात बताओ, इतने लाखों के नग खरीदते हो, अरे तुम्हें ओपल पहनना पड़ेगा ही, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा पुखराज पहनना पड़ेगा ही, ओ तुम्हारा तो कुछ नहीं तो बनेगा ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं बनेगा, ये रहा मेरा 50 लाख का, मेरा 50 लाख का पुखराज है और ये मेरा 1 करोड़ का मूंगा है, सीधी बात है। करके तो देखो, साइंटिफिकली समझाया, काम तो करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। पाशा लोगों आज के लिए इतना ही, और वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, रजिस्ट्रेशन ऑन है। मैग्निफाइड हीलिंग सीखो, चक्रास को, अब आपको समझ आया चक्रास कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चक्रास के ऊपर ही तो प्लैनेट्स की वाइब्रेशन आती है, कब समझोगे। मैग्निफाइड हीलिंग सीखो, अपने पास्ट लाइफ को हील करो। कोई चीज रिकमेंड कर रही हूं, बाद में आपसे पूछूंगी कि आपको जो मैंने सजेशन दिया वो ठीक है कि नहीं ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते आप? आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।